कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे, अल्लाह ताला आपको दे रो कुछ ना दे, अल्लाह ताला आपको इस कोरोना की बीमारी से महफूज बनाने लगी हूँ। कीमे वाला लच्छा परांठा, तीन पाव कीमा लेने, एक चम्मच नमक की, एक चम्मच काली मिर्च की डालिए। ये है आधी चम्मच अदरक की, आधी चम्मच लहसुन की, एक चम्मच सूखा हुआ कुटा हुआ भुना हुआ गरम मसाला, ये आधी चम्मच जीरे की, आधी चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, आधी चम्मच ये धनिया साबुत डाला है, एक चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चम्मच लाल मिर्च, अंडा जाएगा, नींबू जाएगा, इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीने की पत्तियां, इनको काट लिया, सात मिर्चे हैं जो चॉप की हैं, एक प्याज है दरमियानी, इसको भी चॉप कर लिए, ये मसाले में जाएंगी। अब इन सबको कीमे में डालें, ये सब मसाले मिक्स करने हैं, ये सारे मसाले। ये धनिया जाएगा, ये चला गया, इसमें एक अंडा जाएगा, मसाले अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, नहीं तो करारे अच्छी लगती हैं। ये सब चीजें मिक्स कर लेनी है। ये देखे माशाल्लाह पूरा मिक्स हो गया। अब हम आटा तैयार करें, परांठे के लिए आटा तैयार करना है। 1 किलो सफेद आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं, सफेद आटा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक की जाएगी, 2 चम्मच घी जाएगा, पहले घी डाल के इसको ऐसे मिक्स करना अच्छी तरह, फिर पानी डालना। घी मिक्स की है, अब इसमें पानी डालेंगे, ये गिलास पानी का है, फिर और भी ले सकते हैं, कम हो जाएगा तो। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालना, इसे अच्छी तरह गूंद लेना, तैयार कर लेना। ये देखें आटा गूंद लिया, इसके ऊपर ये ऐसे घी लगाना, इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट देना। देखें माशाल्लाह आटा गूंद लिया, इसको पहले गूंदे, 15 मिनट रेस्ट दिए, फिर इसको गूंदे। अब इसके पेड़े बनाने लगी, ये देखें ये माशाल्लाह ऐसे बनाने हैं, सारे पेड़े ऐसे ही बनाने, ये बना के ये देखें ऐसे पेड़े बना लेने हैं, गेलन से भी कर इसकी ऐसे ही बड़ी रोटी बनानी है। ये देखें ऐसे रोटी बनानी है, इसके ऊपर घी लगाना है, फिर इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये आटा छिनकना है, ऐसे वाला ऐसे छिनकना है,
फिर इसमें कीमा रखना ऐसे, कीमा रख के ये रोटी ऐसे करनी है, फिर ऐसे, फिर इसको ऐसे करना करके। ऐसे बनाना है इसको, ठीक है, सब पेड़े ऐसे ही बनाना। ये माशाल्लाह ये रोटी तैयार हुई है, देखो कैसी, ऐसे ही सब रोटी तैयार की। ये देखें माशाल्लाह, ये कीमे वाला लच्छा परांठा तैयार हो गया। ऐसे वाले सारे बना लिए। ये देखें माशाल्लाह, ये लच्छेदार कीमे वाला परांठा तैयार हो गया। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, इतना अच्छा तैयार हुआ कीमे वाला लच्छेदार परांठा। ये देखें इसके कैसे हैं, आप बनाएं, खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं ये मज़ेदार लच्छेदार कीमे वाला परांठा। अब मेरा बेटा खा के बताएगा कि कैसा बने। बहुत मज़ेदार है, वेरी गुड। आपको ये आसान तरीके से बताइए, ये मैदे से भी बन सकता है, मैंने सफ़ेद आटे से बनाया, आप भी ऐसे ही बनाए मज़ेदार लच्छेदार कीमे वाला परांठा और मेरी रेसिपी ट्राई करें। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, मुझे अपनी दुआ में।